2। फिल्म KGF चैप्टर 2 के तेलुगु राइट्स किसने खरीदे और इसकी क्या कीमत चुकाई? यश ने अब क्यों संजय दत्त को कहा टू वॉरियर? KGF चैप्टर 1 से पहले लोगों के बीच हंगामा मचाने के बाद KGF चैप्टर 2 का काम खत्म करके इसके निर्देशक प्रशांत नील तेलुगु सुपरस्टार प्रभास पहली बार एक एक्शन फिल्म पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है सालार। फिल्म को पिछले महीने लॉन्च किया गया है और पहले शेड्यूल की शूटिंग जो गोदावरी खानी तेलंगाना में शुरू हुई थी हाल ही में रैप हुई है। खबरों के मुताबिक फिल्म पैन इंडिया प्रोजेक्ट के रूप में बनाई जा रही है जिसमें प्रभास के साथ श्रुति हसन होंगी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हिंसक किरदार निभाती नजर आएंगी। निर्माता अब अगले शेड्यूल के लिए तैयार हो रहे हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने हाल ही में हैदराबाद और चेन्नई में ऑडिशन लिए हैं और उनमें से 100 नए महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को सिलेक्ट किया है जो फिल्म का हिस्सा होंगे। प्रभास की अन्य प्रोजेक्ट्स में पूजा हेगड़े और ओम राउत के पीरियड ड्रामा आदि पुरुष के साथ रोमांटिक ड्रामा राधे श्याम शामिल है। उन्होंने एक अनटाइटल प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है जिसमें अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण शामिल होंगे। इधर प्रशांत नील की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म KGF चैप्टर 2 की बात करें तो इस फिल्म के लिए लोगों को अजीब दीवानगी दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं फिल्म से जुड़ी दूसरे पहलू पर। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और आप जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट प्रिशा के साथ। मशहूर एक्टर यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फैंस को इंतजार है तो बस इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के रिलीज होने का। यह एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म है। फिल्म के पहले पार्ट में भी एक्टर यश नजर आए हैं। फिल्म के पहले पार्ट में उन्होंने पूरे देश में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। हाल ही में रिलीज KGF चैप्टर 2 के टीजर को जिस तरह से पसंद किया गया है उससे मेकर्स का उत्साह बढ़ चुका है। इसे हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल सहित सभी भारतीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये फिल्म सभी भाषाओं में बहुत बड़ा व्यवसाय करने वाली है। इस फिल्म के निर्माताओं द्वारा जो कीमत मांगी जा रही है उसे सुनकर डिस्ट्रीब्यूटर काफी हैरान है। फिल्म के वॉइस ओवर राइट्स के लिए 80 करोड़ रुपए की मांग कर दी गई है। इन सब के अलावा देश भर में सभी भाषाओं में डिस्ट्रीब्यूटर से बड़ी कीमत की मांग की जा रही है। टॉलीवुड में KGF चैप्टर 2 के तेलुगु थिएट्रिकल राइट से जुड़ी एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध निर्माता दिलराजू ने इस फिल्म के राइट्स को खरीद लिया है। वहीं फिल्म को पहले खरीदने वाले वाराही भी शामिल थे लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से वे पीछे हट गए। बता दें कि वाराही ने KGF चैप्टर 1 तेलुगु राइट्स को खरीदने वाली पहली कंपनी थी। इसी के साथ खबर आती है कि दिलराजू मैदान में उतरे और उन्हें तेलुगु अधिकार मिल गए। दिलराजू ने कथित तौर पर फिल्म के लिए 65 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। KGF चैप्टर 2 के निर्माताओं ने 29 जुलाई को संजय दत्त के कैरेक्टर राधीरा के पहले लुक पोस्ट कर रिलीज किया था। संजय दत्त और यश दोनों के फैंस फिल्म की प्रगति से काफी उत्साहित हैं और फिल्म के ट्रेलर की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ट्रेलर आने के बाद जो प्यार लोगों ने इसे दिया इसकी तो किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। जैसा कि आपको पता है कि KGF की अगली कड़ी में हम संजय दत्त और यश को कोलार सोने की खदानों पर लड़ते हुए देखेंगे। यश के पहले के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब निर्देशक प्रशांत नील ने आधीरा के किरदार के बारे में सुनाया तो उन्होंने खुद कहा था कि इस भूमिका को संजय दत्त जैसी किसी व्यक्ति की जरूरत है। वह शुरुआती दौर से ही हमारे दिमाग में थे, ना कि फिल्म के शुरू होने के बाद। 5 भाषाओं में बनाए जाने के बाद फिल्म का पहला भाग हिट हुआ और अब तो इसकी फैन फॉलोइंग हर फिल्म से ज्यादा है। आपको बता दें कि संजय दत्त की इस फिल्म के लिए अपने हिस्से की शूटिंग शुरू करने से पहले ही उनको पता चला था कि उनको लंग्स का कैंसर हो गया है जिसके लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। और कैंसर से जंग जीतने के बाद वो फिर से अपने काम को पूरा करने के लिए वापस आ गए हैं। और उसी दौरान उन्हें सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी और बताया था कि अधीरा का किरदार के लिए वे तैयार हैं
उस तस्वीर पर कमेंट करते हुए यश ने संजय दत्त को टू वॉरियर कहा था, क्योंकि कैंसर के खिलाफ उन्होंने अपनी जिंदगी की जंग जीत ली थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना। ये कहानी लिखी है आद्या ठाकुर ने। धन्यवाद।